नमस्कार गुड इवनिंग कैसे आप लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे <coughs> जल्दी से लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो और सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और माफी चाहेंगे कुछ निजी कारणों की वजह से कभी तबीयत की वजह से नहीं मिल पाते हैं आप लोगों से इन दिनों में लेकिन कोशिश रहती है कि कोई ना कोई सेशन आप लोगों के साथ हो तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेकिन उससे पहले आ, अभी रिसेंटली जो आरआरबी के अंदर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इनको बहुत बहुत बधाई और ये बधाई के पात्र हैं वाकई में क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा की हुई है और इसी प्रकार से यामिनी मिश्रा सबसे ज़्यादा बधाई की पात्र ये हैं क्योंकि ऑल इंडिया रैंक सेकंड या अप्रोक्सीमेटली क्योंकि दो बच्चे हैं सेकंड रैंक पे एक ही नंबर के साथ एक तो uh, जो आपके ऋषिपाल हैं लास्ट ईयर जो फर्स्ट रैंक थे और इस बार जो है ये भी उन्हीं के साथ है सेकेंड रैंक पे लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट ने ही इन्होंने क्लैक क्रैक किया और सबसे बड़ी बात ये ग्रहणी है मतलब आपका हाउसवाइफ है डेफिनेटली उस टाइम पर आपको भी पता है कि जब शादी हो जाती है तो लड़की के लिए पढ़ना कितना डिफ़िकल्ट होता है तो उसके बावजूद भी इन्होंने कड़ी मेहनत की और आज जो है इस मुकाम पर हैं तो आप इस बात को समझ कर रखिए कि मेहनत हमेशा काम आती है ना तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को ज़रूर देखें क्योंकि हमेशा अगर आप इस प्रकार से वर्क करते हो तो डेफ़िनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती चली जाएंगी और आप जो है सिलेक्शन के करीब होंगे आज नहीं तो कल ठीक है चलिए और इसी प्रकार से अगर आप हमारे किसी भी प्रकार के जैसे ए एफ ओ का टेस्री चल रहा है अगर आप उसको परचेज करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है 849 फोर्टी की कॉस्ट है और या फिर अगले आप पूरे साल के लिए आप हमारा कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं एग्रीकल्चर का तो उसका 10,000 थाउजेंड कोस्ट है और फिफ्टीन ऑफ जनवरी से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं चलिए तो प्रमोशन काफी ज्यादा हो गया अभी आगे बढ़ते हैं आपके क्लास के ऊपर सेशन के ऊपर सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है एज पर द नाबार्ड स्कीम ऑन कंबाइन हार्वेस्टर लाइफ पीरियड ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर इज मतलब नाबार्ड स्कीम के अकॉर्डिंग नाबार्ड मॉडल बैंक के अकॉर्डिंग आपका जो कंबाइन हार्वेस्टर होता है उसकी लाइफ स्पेन कितना होता है लाइफ पीरियड कितना होता है 2000 घंटे 3000 घंटे 4000 घंटे या फिर 6000 घंटे ठीक है चलिए जी वेरी गुड इवनिंग टू ईच ई चंडाइव वेरी गुड शाबाश काफ़ी बच्चों ने जो आंसर किया है वो सिक्स थाउजेंड आवर्स किया है एंड दिस इज़ राइट कि हाँ छः हज़ार घंटे बिल्कुल सही है आपका देखिए नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट वैसे आप लोगों को बहुत बार डिस्कस किए हुए हैं लेकिन फिर भी एक चीज ध्यान रखें कि नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग कई बार आपके ए और नाबार्ड के एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं तो इसलिए इनको जरूर पढ़कर जाना ये बहुत ही ब्रीफ में है अप्रोक्सीमेटली पाँच से छः पेज में सारा कवर हो जाता है देखो बहुत ज्यादा कवर करने की आवश्यकता नहीं होती कि आप बहुत बल्क में पढ़ेंगे तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे ऐसा नहीं है अगर आप बहुत लिमिटेड कंटेंट पढ़ते हो और बहुत ही उसको मतलब रिविजन के साथ

और नेक्स्ट है फ्यूल कंजप्शन सिक्स लीटर पर आवर कंज़प्शन फॉर लुब्रिकेशन जीरो पॉइंट वन एट लीटर पर आवर एंड आपका यहाँ पर डेप्रीशियशन की बात हो रही है तो उसके बाद लाइफ ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर सिक्स थाउजेंड आवर्स होता है डेप्रीशिएशन पर ईयर कितना रहेगा आपका एलेवन पॉइंट सेवन परसेंट रहेगा तो ये दोनों चीजें आपसे पूछ सकते हैं तो इनको एक बार आप लोग ध्यान कर लेना चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है पार्ट ऑफ ट्रैक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोवाइडेड विद द स्टैंडर्ड एक्सट्रीम एक्सटर्नली स्प्लिड शाफ्ट एट द रियर एंड टू द ट्रैक्टर यूज्ड टू अटैच द कंबाइन हार्वेस्टर थ्रेसर मोवर एटसेट्रा तो आपका कम जो है ट्रैक्टर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि ट्रांसमिशन सिस्टम में वर्क करता है और मेनली क्या करता है ये आपका जो एक्सटर्नली जो जितने भी आपके जैसे फॉर एग्जांपल कंबाइन हार्वेस्टर है थ्रेसर है मोवर है इनको रन करने के लिए जो है उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है तो आप जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा होगा <coughs> हृदय पाल पवार पीटीओ अभिमाली पीटीओ ओके okay. वेरी गुड अभिषेक मुथु शरणजीत दीदी एम दास वीरेंद्र रितेश भरत हर्ष दिनेश ऋतिक ओके गुड शाहबाज काफी बच्चों ने आंसर किया है बिल्कुल सही किया है आपका पीटीओ देखिए आप लोग जानते होंगे कि मेनली जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है ठीक है अब ट्रांसमिशन सिस्टम ट्रैक्टर के अंदर क्या होता है आप सब लोग जानते हैं कि भाई इंजन से पावर जो है वो आपकी ट्रांसमिट यहां तक होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका क्लच प्लेट सिस्टम होता है गियर सिस्टम होता है ठीक है और फिर आपका लास्ट में होते हुए यहाँ पर क्या है पीटीओ होता है और पीटीओ से आपकी पावर को ट्रांसमिट किया जाता है एक्सटर्नल आपके जो भी इंप्लीमेंट होते हैं उनको अब जैसे आप लोग जानते होंगे कि नॉर्मली आपका जो ट्रैक्टर इंडिया में हम लोग यूज करते हैं तो ट्रैक्टर के साथ ज्यादातर जो इंप्लीमेंट होते हैं वो थ्री लिंकिंग सिस्टम के साथ अटैच होते हैं लेकिन ऐसे भी कुछ इंप्लीमेंट होते हैं जैसे कि अगर रोटावेटर की बात करूं तो रोटावेटर आपका अभी प्रेजेंट टाइम में मोस्ट कॉमन इंप्लीमेंट है जो कि आपका क्या होता है पीटीओ के साथ अटैच होकर रन किया जाता है ठीक है तो पीटीओ अप्रोक्सीमेटली 90 टू 95 परसेंट पावर को क्या करता है आपका ट्रांसमिट करता है ठीक है और बाकी अगर हम बात करें तो जो आपके थ्री लिंकिंग पॉइंट सिस्टम होते हैं उनके साथ अगर आपका अटैच होता है तो उसमें भी आपका ड्रैगिंग के थ्रू एक प्रकार से पुल किया जाता है आपके इंप्लीमेंट्स को

अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है ये पीटीओ के बारे में बताया गया तो वही आपकी बात है ठीक है चलिए अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज द यूजुअल लेंथ ऑफ साइकिल इन कैटल कैटल के अंदर आपका जो यूजुअल लाइफ ईस्टर साइकिल होता है उसके कितने दिनों की लेंथ होती है सात दिन चौदह दिन इक्कीस दिन या फिर अट्ठाईस दिन तो जल्दी से आंसर करो कि आंसर आपका क्या होगा बिल्कुल आपके एन के लिए क्लास दे देंगे कल परसों मैं ट्राई करता हूं कि आपका एक ब्रीफ जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको एनएससी के अकॉर्डिंग बनाकर प्रोवाइड कर दिया जाए ठीक है गुड शाबाश काफी बच्चों का जो आंसर आया है बिल्कुल सही आया है कि आपका 21 डेज ठीक है 21 डेज क्या होता है आपका एस्टर साइकिल का लाइफ साइकिल होता है तो देखिए यहाँ पर आप लोग पूरा देख सकते हैं कि कैटल और बफेलो में कितना होता है आपका 21 डेज का होता है शिप में 15 गोट में 20 पिग में 21 डेज ठीक है अब देखो एस्टर साइकिल में टोटल आपके कितने स्टेज होते हैं चार स्टेज होते हैं पहला आपका प्रोएस्ट्रस प्रोएस्ट्रस में क्या रहेगा कि इसके अंदर आपका जो कॉर्पस ल्यूटम होता है वो बनना स्टार्ट होगा और इसके बाद में आपके जो फॉलिकुलर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके बनना या डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे फिर अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर एस्ट्रस साइकिल में ये वो कंडीशन होती है जब आपका जो फिजिकली मेटिंग करवाई जाती है तो इस स्टेज में ही हम लोग करवाते हैं ठीक है और जब हम बात करेंगे यहां पर मेटाइस्ट्रस तो ये वो आ, स्टेज होता है जिस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं आपका सॉरी कॉर्पस ल्यूटम जो डेवलप होता है यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटम डेवलप नहीं होता ठीक है यहां पर होता है और यहाँ पर जो फॉलिकल्स आपके डेवलप होते हैं वो वापिस से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं और याद रखना इसी स्टेज में क्या होता है नॉर्मली आप

वेरी गुड मोस्टली बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही किया है और तांग्रेज ग्रेट देखिए अगर हम बात करें तो कैटल की हर कुछ ब्रीड्स के अपने अपने करैक्टर्स हैं ना जैसे कांकरेज ब्रीड है तो वो अपनी स्वाई स्वाईचल करेक्टर के लिए फेमस है राठी ब्रीड है तो इसमें आपका एक इंपॉर्टेंट डॉट ब्रीड है ठीक है और इसी के साथ अगर हम राठी ब्रीड की बात करें तो इसमें फैट कंटेंट काफी ज्यादा पाया जाता है ठीक है थार पारकर ऑंगोले ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि अपने अपने करैक्टर्स यहाँ पर क्या है? आपके हैं आपके फिक्सड हैं ब्रीड्स के ठीक है तो जैसे आपका यहाँ पर थार पार्क का ओरिजिन क्या है आपका यहाँ पर सिंधी और अंगोले आपका वाइट कलर्ड ठीक है तो ये आपके क्या हैं कि हर एनिमल के करेक्टरिस्टिक्स डिफाइंड हैं और उनको आप लोग जरूर याद करें क्योंकि मैंने एक दिन आई थिंक सो वन मंथ हुआ होगा तो उस टाइम पर मैंने एक सेशन लिया था आप लोगों के लिए जिसके अंदर मैंने बेसिक्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के बारे में कुछ बातें की थी ठीक है तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनको जरूर देखना क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है

लिए भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं ठीक है चलिए अगला अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन क्या है ए पेयर ऑफ बुलॉक्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन ए प्लो द फील्ड बीइंग प्लोड इन 20 इज 20 मीटर लॉन्ग हाउ मच वर्क इज डन इन प्लोइंग द लेंथ ऑफ फील्ड मतलब क्या है आपके एक फील्ड <coughs> के अंदर एक पेयर ऑफ बुलक को हमने यूज किया किसके लिए आपको प्लोइंग करने के लिए उन्होंने इतना फोर्स आपका यूज किया और इतना लॉन्ग जो है उन्होंने क्या किया आपका डिस्टेंस को तय किया तो आप बताओ कि टोटल फोर्स वहां पर इस लेंथ को तय करने में कितना लगा तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कि जो टोटल आपका यहां पर वर्क डन अगर आपको निकालना होता है तो वर्क डन इज इजिकल टू क्या होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय आपका लेंथ ठीक है तो इससे आप लोग क्या कर सकते हो निकाल सकते हो तो यहां पर क्या होगा आपका वन फोर्टी एन इंटू तो ये आपका 2800 जूल ठीक है ये आपका क्या निकल के आएगा टोटल वर्क डन निकल के आएगा तो इसको आप लोग ध्यान कर सकते हैं ठीक है बिल्कुल काफी बच्चों ने आंसर सही किया है गुड शाबाश ठीक है ये आपका यहां पर क्या रहा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन ठीक है ये आपका फार्मूला चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है अक्रेंस ऑफ स्टेग हेड करेक्ट करेक्टराइज बाय स्टेराइल मेलफॉम्ड एंड ग्रीन फ्लावर्स विद शेप्ड एंड एनलास्ड फ्लावर पार्ट इन मस्टर्ड इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द इनफेस्टेशन ऑफ विच पैथोजन मतलब आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि यहां पर स्टैग हेड का अग्रेंस हो रहा है और वो मेनली किस वजह से हो रहा है कि आपके जो फ्लावर है वो स्ट्राइल हो चुके हैं मेलफॉर्मेशन उनमें देखने को मिल रही है और फ्लावर आपका ग्रीन कलर है अभी तक और ये जो कंडीशन है वो फ्लावर आपकी जो मेलफॉर्मेशन होना ये सब आपके मस्टर्ड में देखने को मिल रहा है तो ये जो सिचुएशन है वो किस प्रकार के डिजीज के इन्फेस्टेशन में हमें देखने को मिलता है तो वो आपका बोटराइटस सिनेरियो होता है या आपका पेरानोस्पोरा पेरासिटिका होता है या एल्बिगो कैंडिडा की वजह से होता है या फिर कॉलेटोट्राइकम ग्लोइस्प्रॉइड्स की वजह से होता है ओके okay. जी वेरी गुड इवनिंग अभे 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 मोनी मधुरिमा मुथु वीरेंद्र रितेश दामिनी एग्रिकोस प्रवृत हरितिक अभिषेक गुड शाबाश मस्टिम बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही किया है कि ये जो सिम्टम है आपके कौन से डिजीज के हैं ये वाइट रस्ट ऑफ क्रोसीफर है ना वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड एक प्रकार से और अगर हम बात करें तो वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड का कॉजल क्या है एलबीगो कडिडा जो कि एक इंपॉर्टेंट फंगस है तो उसका सिम्टम यहां पर आपको शो किया गया है अब आप लोग देख सकते हैं कि ये सिम्टम जो है कुछ इस प्रकार से नजर आते हैं ये आपकी हाइपरट्रॉफी जो हो जाती है जिसको हम स्टेग हेड बोलते हैं तो हाइपरट्राफी या फिर हाइपरप्लेशिया जो सिचुएशन होती है तो वो मेनली आपका स्टैग हेड को क्या करती है डेवलप करने का काम करती है इसके साथ में अगर हम बात करेंगे तो बाकी आपके लोकल और सिस्टमैटिक इंफेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर वाइट पैचेस जो क्रीमी कलर uh, के देखने को मिल जाएंगे तो यही हमारे क्या होते हैं सिम्टम्स होते हैं किसके वाइज ट्रस्ट ऑफ मस्टर्ड के ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए मल्टीपर्पस इंप्लीमेंट

जा रहा है तो अब आप लोग बताएं कि यहां पर कौन सा इंप्लीमेंट ऐसा है जो कि इस प्रकार से वर्क करता है तो विंड ड्रॉवर है या फिर आपका यहां पर सी ड्रिल है, है है? या फिर आपका रोटावेटर कम ऑन। अभय वीरेंद्र मुथु मधुरिमा दामिनी दास पवरित, रितेश मधुरी माँ अभिषेक अरे भाई 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 भाई, भाई ये एक तो कल्टीवेटर और सीड ड्रिल बेटा कल्टीवेटर और सीड ड्रिल कैसे हो सकते हैं सीड ड्रिल से आप सीड बेड का प्रिपरेशन कैसे करोगे एंड सीड ड्रिल आपका फर्टिलाइजर और मैन्योर को मिक्स करने में कहाँ यूज किया जाएगा ये आप बताओ दूसरी बात आपका सीड ड्रिल जो है मेनली किसके द्वारा रन होता है यहाँ पर पीटीओ से रन नहीं होता ये आपका क्या होता है थ्री लिंकिंग जो सिस्टम होता है माउंटेड टाइप सिस्टम उसी से क्या होता है ये अटैच होता है और उसके द्वारा इसको ड्रैग करके मूव करवाया जाता है कल्टीवेटर भी कुछ इसी प्रकार है इसको पीटीओ के द्वारा अटैच नहीं किया जाता तो लेकिन यहाँ पर रोटावेटर की बात करेंगे तो रोटावेटर आपका एक ऐसा इम्प्लीमेंट है जो यहाँ पर पीटीओ से क्या होता है अटैच होता है और नॉर्मली इसको आप प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट दोनों ही मानते हैं ठीक है थीके? तो ये आप लोगों से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि यह जो आपका रोटावेटर होता है ये प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट दोनों प्रकार का है और अगर हम बात करें तो आपका जो पी, ये रोटावेटर होगा वो कुछ इस प्रकार से होता है इसके अंदर ये जो बीच में शाफ्ट होती है और उसके ऊपर ये ब्लेड्स आपके लगे हुए होते हैं है ना और ये ब्लेड्स जो हैं टोटली क्या करते हैं आपकी मिट्टी को कट करते हैं पहले उसको पूरा का पूरा मिट्टी को एक प्रकार से आपका प्लो किया जाएगा और साथ में ही उसके साथ क्या कर दिया जाएगा मिट्टी को मिक्स कर दिया जाएगा अब देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपका एक पूरा जो है गियर सिस्टम लगा हुआ होता है और इसी गियर सिस्टम के साथ क्या होता है आपका एक आ, पर्टिकुलर आप लोगों ने देखा होगा शाफ्ट होती है जिसको अटैच किया जाता है पीटीओ के साथ और इसी शाफ्ट को यह शाफ्ट आपकी इस पर्टिकुलर गियर की तरफ जाती है और उसको रोटेट करवाने में हेल्प करती है और फिर इसी गियर सिस्टम के साथ एक रोड आपकी अटैच होती है जो कि यहां पर भी आपका एक गियर सिस्टम लगा होता है उसके साथ अटैच रहती है ठीक है तो इसको यहां पर यह ट्रांसमिशन किया जाएगा और ये आपका ट्रांसमिशन होने के बाद यहां पर जो आपकी रोड है इसको घुमाने का काम किया जाता है ठीक है तो इस प्रकार से पावर

ठीक है तो इसलिए आपका आंसर यहां पर क्या रहेगा इसका रोटावेटर द पॉइंट तो ये आपके लिए यहां पर क्या था आपका ये क्वेश्चन अगला ये योटावेटर के बारे में बताया गया है तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा ब्रीडिंग का क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द रिकरेंट एक्यूरेटलीशन फॉर स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि आपके रिकरेंट सिलेक्शन जो कि आपका स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी के लिए होता है उसको डिनोट करता है देखो रिकरेंट सिलेक्शन का मतलब क्या होता है जब आप किसी भी पर्टिकुलर पेरेंट्स मतलब फॉर एग्जाम्पल आप पर्टिकुलर प्लांट्स को फॉलो करते हो उनको देख कर उनको चूज करते हो और उनके सिलेक्शन हाँ कर लेते हो। फिर आपका क्या होता है? कि उन है उसे हम लोग एज ए आपका वेराइटी के में यूज करते हैं। लेकिन इसमें रिकरेंट सिलेक्शन में चार प्रोसेस आपके रहते हैं एक आपका नॉर्मल जनरल होता है फिर आपका जो है जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी के हाँ रिकरेंट सिलेक्शन होता है फिर

आपका जो है स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी में रिकरेंट सिलेक्शन के लिए ठीक है तो याद रखना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो मैंने क्या बताया आपको यहां पर पहले तो रिकरेंट सिलेक्शन रिकरेंट सिलेक्शन में क्या होता है कि रिकरेंट सिलेक्शन ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट सुपीरियर प्लांट आर इनिशियली चूजन ऑन देयर अपियरेंस ऑफ द और परफॉर्मेंस देर आफ्टर सिलेक्टेड प्लांट आर सेल्फ पोलिटेड एंड देर ऑफ स्प्रिंग आर इंटरकोस्ट टू क्रिएट ए पॉपुलेशन आउट द नेक्स्ट सिलेक्शन साइकिल मतलब आगे आपका जो है उसको चूज करके हम लोग एक पेरेंट्स की फॉर्म में फॉर्म में जो भी आपका वेरायटीज है उनको यूज करते हैं ठीक है अब यहां पर क्या है कि आपके फोर मैथड्स हैं और ये आपका फर्स्ट सजेस्ट किया गया था हाइस और जर्बर के द्वारा नाइनटीन नाइनटीन में तो यहां पर सिंपल रिकंट सिलेक्शन में तो क्या होगा प्रोजनी चूज किया जाएगा और उनको जो है आपका एज ए आपका वेरायटी हम लोग यूज कर लेंगे लेकिन यहां पर टेस्टर कोई भी यूज नहीं किया जाता लेकिन जनरल कंबाइन

फॉर्म में यूज किए जाएंगे के लिए, कि आपका एबिलिटी और स्पेसिफिक दोनों को ये क्या करेगा, आपका करने का काम करेगा चीजें तो से से तो होती है लेकिन हम जब पढ़ते हैं ना तो ये हमारे लिए बड़े मतलब नासूर बन जाते हैं देखो जब तक हमें कोई क्वेश्चन आ रहा होता है हम बड़े खुश हो रहे होते हैं लेकिन जैसे ही आना बंद हुआ जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके टेस्ट चल रहे में एक बड़ी शिकायत करते हैं बड़ी शिकायत क्या करते हैं

बॉटम इज इजम कि आपका यहां पर बॉटम के प्लो में प्लो के बॉटम में क्या होता है कि आपका यहां पर पार्ट लगा होता है जो कि इरेगुलर इन शेप होता है लेकिन वो कहीं ना कहीं प्लो के जैसा ही मतलब लगता है और वो आपका मेनली क्या है जब मूव करता है तो उस टाइम पर जो आपका पूरा का पूरा, पूरा पलटना होता है मिट्टी का उसको वो रिस्पॉन्सिबल होता है तो ऐसा कौन सा पार्ट है कॉल्टर है जॉइंटर है गनल है या फ्रोग है देखो फ्रोग तो वो हिस्सा होता है जिसके साथ वो आपका अटैच रहता है ठीक है ये नहीं होगा ठीक है उसके साथ अगर हम बात करें तो यहां पर आपका जॉइंटर क्या होता है वो हिस्सा होता है जिसके साथ ये आपका अटैच होता है नहीं 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 फ्रॉग आपका बेटा क्या होगा फ्रॉग वो हिस्सा होता है जिसके साथ ये अटैच होता है ठीक है फ्रॉग नहीं होता ध्यान रखना फ्रॉग आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है ठीक है नेक्स्ट आपका है मोहेर व्हाट इज मोहेर ए टाइप ऑफ वूल डिराइव्ड फ्रॉम द मेरिनो फाइन लेदर व्हिच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द गोट स्किन द वूल लाइक हेयर फ्रॉम द अंगोरा goats ए सिंथेटिक फैब्रिक प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नाइलॉन फाइबर बताइए क्या होगा कम ऑन आंसर दीजिए जल्दी से <coughs> वेरी गुड शाबाश सी 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 अगर आपने सी किया है तो बिल्कुल सही है क्या है यहां पर देखिए कि वुल लाइक हेयर फ्रॉम द एंगोरा गॉड तो ये आपका क्या होता है मोहेर कहलाता है फाइन लेदर विच इज प्रिपेयर फ्रॉम द गॉड स्किन इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका मोरोको बोलते हैं ठीक है तो ये आपका याद रखना गलती मत कर देना इन दोनों के बीच में मिस्टेक आप लोग कर सकते हो ठीक है सी आपका यहाँ पर राइट right आंसर होगा लेकिन जो बी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है एक लेदर है जो कि गोड स्किन से हमें मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मोरको ठीक है ये याद रखना गॉट द पॉइंट क्योंकि आपके लिए ये आपके एग्जाम में आ सकता है किसी प्रकार से भी चलिए अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन है व्हाट इज द फलग्योरे मेले इन रिलेशन टू शुगर केन लीफ ऑपर जो है उसके लिए ये जो फलग्योरेसिया uh, मेले है ये क्या काम करता है ये एक पेडेटरी इंसेक्ट है जो कि शुगर केन लीफ ऑपर को कंट्रोल करता है एक होस्ट प्लांट है आपका शुगर केन लीफ ऑपर के लिए या एक एग पेरेस्टोइड है या आपका लारोल पेरेस्टोइड है जल्दी से बताओ कमोन ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भाई थोड़ा सा ध्यान रखो अपना क्योंकि ठंड के मौसम में अगर तबीयत खराब हुई तो ठीक होना मुश्किल हो जाएगा है ना तो इसलिए ध्यान रखो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा नुकसान हो जाता है बाद में ठीक है अभी तो हम कभी कभी है ना कभी स्वेटर और कोट पसते हैं अच्छा नहीं लगता ना कोट तो पहनना शोक ख़त्म हो जाती है ऐसा मत करना मरे जाओगे ठंड के मौसम में भाई ठीक है चलिए तो ये आपका क्या है ये एक आपका एग पेरेस्ट्रोइड है ठीक है सॉरी लार्वल और एग पेरेस्टोड में बड़ी कंफ्यूजन होती है वैसे ये आपका एग पेरेड और लार्वल दोनों ही देखने को मिलता है लेकिन याद रखना इसको यहां पर अभी प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग जो मेरे को मिले थे उनके अकॉर्डिंग अभी तक ये आपका एग पेरेस्टोड है मैंने एक दिन पहले भी इस बात को डिस्क्राइब आप लोगों के सामने किया था लेकिन अभी तक इसका लार्वल पेरेस्ट्रोइड का जो है वो मतलब डायरेक्टली मैं आपको बता दूं कि बहुत कम आपके सोर्सेस है जो मिल पा रहे हैं ठीक है इसलिए बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है तो अभी तक इसको आपका एक एग पेरेस्ट्रोइड मानकर चल सकते हो ठीक है

नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग हनीबी दनी इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आप लोगों ने हनी बी की स्पीसीज को पढ़ा होगा तो यहां पर हनी बी स्पीसी के बारे में पूछा गया है कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ एक करेक्ट ऑर्डर जो है आपको यहां यहाँ पर बताना है बताइए कौन सा होगा हाँ बिल्कुल भाई सीधा भगवान के घर ही जाएगा अच्छी बात है मोए मोह ये व्हाट इज मोए मोए ये मुझे आज तक पता नहीं चला ना ये एक मतलब आजकल काफी देखने को मिल रहा है क्या होता क्या है ये इसका मीनिंग क्या है भाई हम्म ये ऐसा क्या है मतलब प्रेजेंट टाइम में तुम लोग आजकल एक तो मीम वगैरह ना बड़े चलने स्टार्ट हो गए हैं हर छोटी सी बात आप कहीं पे भी कुछ मतलब एक तो प्रेजेंट टाइम में ना खासकर सोशल मीडिया पे आते टाइम बड़ा डर लगता है यार कि, कि किस बात को किस प्रकार से बोला जा रहा है और लोग उसको कैसे लेते हैं बड़ा मतलब नेगेटिव सा वो एनर्जी आ जाती है तो इसलिए बड़ा मतलब मैं तो नहीं सोचता हूँ क्योंकि मुझे इतना नहीं फील होता क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ जिसकी वजह से कोई दिक्कत आए लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना पड़ता है ना कि भाई किसी रिस्पेक्ट में बात बोली जा रही है और क्या ये चल रहा है तो वो थोड़ा सा देखना पड़ता है ना तो आजकल पता नहीं कहाँ आप मीम बनकर उभर जाओगे ये कोई भरोसा नहीं है लेकिन इतना जरूर ख्याल रखो कि भाई <laughs> है ना बख्स दो इन चीजों को ठीक है कि ठीक है चलो अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर दो बाकी मोए बाद में करेंगे क्यों टेंशन ले रहे हो अच्छा सब गया एपिस डोरसेटा एपिस मेलीफेरा एपिस सेरेना और एपिस फ्लोरिया तो ये आपका यहाँ पर जो है इसका सीक्वेंस है तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है लेकिन आप लोग ये अच्छे से पर्स लेना कि भाई एपिस डोरसेटा एपिस मेलीफेरा एपिस सेरेना इंडिका एपिस फ्लोरिया ये आपकी चार स्पीसीज हैं रोकवी के नाम से जाना जाता है ओपिस डोरसेटा को ये आपकी वाइल्ड स्पीशीज होती है जिनको कभी भी डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता ठीक है और ये थर्टी सिक्स किलोग्राम हनी पर कॉम पर ईयर जो है प्रोड्यूस करती है लेकिन एपिस जो मेलीफेरा है यूरोपियन और इटेलियन भी के नाम से जानी जाती है और इनको हम डोमेस्टिकेट करते हैं और एपिस इनको पर और ये आपका 6 से 8 भी होती है इसको भी डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता ये ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा या तो किसी भी मतलब ल, जब लकड़ी वगैरह पड़ी होती है या फिर कोई मतलब बहुत ही कॉर्नर में एक ऐसा हिस्सा होता है जिसको कभी छुआ नहीं जाता वहां पर जाकर क्या करती है

अच्छा स्क्रीन लेने दीजिए ओके बिल्कुल स्क्रीन आप ले सकते हो एक बार मैं हट जाता हूँ साइड आप इसका स्क्रीन बिल्कुल ले सकते हो और अभी ये आपका पार्ट मतलब बाद में वीडियो में आप लोग ले सकते हो इसको देख लेना अगर नहीं लिया गया लेकिन इसका आंसर कीजिए कि आंसर क्या होगा डेंस वेबिंग कौन सा कोर्स करता है ठीक है अच्छा अभियान रितेश मुथु वीरेंद्रा मधुरिमा गुड वेरी गुड शाबाश मैक्सिमम बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि राइस मौत ठीक है राइस मौत आपका क्या करता है डेंस वेबिंग कॉज करता है आप लोग जानते होंगे कि एक स्टोरेज ग्रेन पेस्ट है पेस्ट है सॉरी और ये आपका लार्वा जो है इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है डैमेज के लिए और ये मेनली फूड ग्रेन जो आपके यहाँ पर हैं उनके अंदर एक प्रकार से क्या कर देता है उनको खोखला और उनको काटने का एक प्रकार से ब्रेक डाउन करने का काम कर देता है छोटे छोटे पीसीस में तो जिस वजह से उनकी क्वालिटी भी लो होती है और वो आपका एक प्रकार से बाद मोल्टिंग हारमोन रिस्पेक्टिवली मतलब आपकी कौन सी ग्लैंड है इंसेक्ट के अंदर जो कि जुविनाइल हॉर्मोन और मोल्टिंग हार्मोन रिस्पेक्टिव यानी कि अलग अलग प्रोड्यूस कर रही है तो आपका न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स एंड कॉर्पोरा कार्डिय का हाइफोफेरेंजियल ग्लैंड एंड कॉर्पोरा कार्डियका या कॉर्पोरा एलेटा एंड प्रोथोरसिक ग्लैंड एंड प्रोथोरसिक ग्लैंड एंड कॉर्पोरा एलेटा तो जल्दी से बताओ कि यहाँ पर आंसर क्या होगा मतलब है कि दो आपके हार्मोन हैं दो अलग अलग हार्मोन हैं लेकिन उनको कहाँ से रिलीज किया जा रहा है तो ये आप बताइए कमोन गुड मैक्सिमम बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही किया है कि कॉर्पोरा एलेटा एंड प्रोथ्रेसिक क्लांट क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जुविनाइल हार्मोन जिसको एक प्रकार से ये हार्मोन माना जाता है जो आपका मतलब एक पर्टिकुलर जो स्टेजेस होती है मेटामॉर मेटामॉर मेटामॉर्फिस मॉर्फोसिस प्रोसेस होती है उसके अंदर उनको कंप्लीट करने में या फिर यूं कह सकते हो कि आपका स्टेज टू स्टेज प्रोसेस ग्रोथ करने के लिए ये आपका हारमोन होता है जुविनाइल हार्मोन तो उसमें आपका कहाँ से रिलीज होता है यह आपका कॉर्पोरा एलेटा ग्लैंड से रिलीज होता है जो कि आपका एक प्रकार से क्या होती है ब्रेन के नियर अबाउट ही प्रेजेंट होती है आई थिंक सो ठीक है और दूसरा अगर हम बात करें तो प्रोथरोसी का ग्लैंड जो है वो आपका 몰टिंग हार्मोन को क्या करती है रिलीज करती है ठीक है और अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि रोटिनोन ए टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि यूज किया जाता है इंसेक्टिसाइड और आपका पीसीसाइड के लिए तो ये आपका किस में से डराइव होता है तो ये आपका क्या बार्क ऑफ केशिया ट्री से होता है या फिर आपका निकोटिया प्लांट से होता है या आपका डेरीज प्लांट से होता है या आपका पाइरिथ्रम डेजी से होता है तो देखो पायरिथ्रम डेजी यानी कि क्राइजेंथिम फ्लावर की बात हो रही है तो उसमें से तो आपका पायरिथ्रम ही क्या होता है यहां पर है? आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको हम लोग एज ए इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं दूसरा आपका निकोटियाना प्लांट जो है इससे हम लोग क्या करते हैं आपका निकोटियाना से नॉर्मली हम लोग जो आपका सब्सटेंस निकालते हैं निकोटीन निकालते हैं और उसको हम लोग यूज कर सकते हैं लेकिन अगर हम डेरिस प्लांट की बात करें तो इससे आपका रोटिनोन ही आपका निकलता है एक टॉक्सिक सब्सटांस जिसको हम लोग एज ए आपका इंसेक्टिसाइड और पीसीसाइड यूज करते हैं लेकिन याद रखना डेरिस प्लांट की रूट में से निकाला जाता है आपका फ्लावर जो प्राइजम होता प्रा है

चेंज करते हो आपके क्रॉप के तो उस कंडीशन में हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं आपका स्टैगरिंग समझ में आ गया

सेटिंग ऑफ हाइब्रिड एंड ए लाइन सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम कैन बी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली बाय द सप्लीमेंट्री पॉलिनेशन ठीक है तो ये आपका यहां पर प्रोसेस रहता है अगला क्वेश्चन है वट डज एन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट इन इकोनॉमिक्स आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो यहां पर रिप्रेजेंट करता है किसको द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट टू प्रोड्यूस ए सिंगल प्रोडक्ट द मैक्सिमम अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल आउटपुट एंड द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट विद ए गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट तो जल्दी से बताओ कि यहां पर आपका आंसर क्या होगा कमॉन बताओ आंसर है इसका ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट विद इन ए गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट मतलब एक आपका सिंगल अमाउंट ऑफ इनपुट दिया जा रहा है उससे आपके दो प्रोडक्ट यहां पर जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उनका वो आपका उसको शो करता है कौन आपका यहां पर पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी कव ठीक है तो ये आपके सामने है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करव और ये आपका यहाँ पर क्या करेगा एक सिंगल इनपुट के थ्रू हमारा जो दो आउटपुट है उनको एक प्रकार से सेम टाइम पर क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वहां से आपका मिल सकता है मतलब सिंपल सी बात है ग्राफ है जो कि शो करता है आपका ऑल डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड गिवन करंट रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी ठीक है तो ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स है मैं उतना आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं करवा पाऊंगा लेकिन आप लोगों को इकोनॉमिक्स का अगर सेक्शन देखना है तो मैं अगेन आपको बोलना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स का पूरा एक वेल मेंटेन लेक्चर आपके पास प्रेजेंट है उसको आप लोग देखिए फुल लेंथ इकोनॉमिक्स है देखो हम वो वाली बात तो करते नहीं है कि बहुत ईजी भाषा में और बहुत ही आसान भाषा में आप सीख सकते हो ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहेंगे कि आपको जो भी चीज़ मिलेगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसको आप थोड़ी सी मेहनत अगर करोगे तो सीख जाओगे क्योंकि देखो आपका ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मतलब आप आ, मतलब कहते ना कि उंगलियों पे पड़ी है ऐसा कुछ नहीं होता है आपको कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत तो मेहनत लगानी पड़ेगी भाई और मेहनत नहीं लगा सकते

नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है डाउनी मिल्ड्यू मिल्ड्यू कॉजिंग 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 पैथोजन पैथोजन पाउडरी एंड रस्ट आर अरे वाह क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर डाउनी मिल्ड्यू पाउडरी मिल्ड्यू और रस्ट कॉजिंग पैथोजन जो है वो आपके क्या होते हैं ऑब्लिगेट सेप्रोफाइड होते हैं फैकल्टेटिव सेप्रोफाइड होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं या आपके फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं वेरी गुड जनरल एग्रीकल्चर होता है तो एनएफएल में आ सकता है नॉट ए बिग डील सी 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 गुड मैक्सिमम बच्चों का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है ऑब्लिगेट पैरासाइट ठीक है चलिए ये आपका आज का सेशन था अगेन आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा लेकिन इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट आपको मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप हमारी ए के लिए रिसेंट टेसरीज अगर परचेज करना चाहते हो तो उसको परचेज कर सकते हो बहुत ही लिमिटेड कॉस्ट के साथ एट में आपको थर्टी टेस्ट प्लस ट्वेंटी सब्जेक्ट आपके टेस्ट एज वेल एज आपकी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पी आपको दी जा रही है जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा जो टेस्ट है वो मिलेंगे उनके आप आंसर्स को सकते हो बाद में रिवाइज कर सकते हो कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी ठीक है और अगर आप इंटरेस्टेड है तो परचेज कर सकते हैं नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं इफ यू लाइक द कंटेंट थैंक यू सो मच हैव ग्रेट डे भारत